नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम यूपी के सिंघम में आपका स्वागत है। योगी सरकार 2.0 में यूपी पुलिस के काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। अब यहां केसों का खुलासा 24 घंटों में होता है। सही मायनों में कहें तो यूपी पुलिस अब सिंघम स्टाइल में काम करने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। पांच साल पहले जब यूपी में योगी सरकार बनी थी, तब यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े होते थे। वारदात के बाद उसके खुलासे में महीने लग जाते थे, कभी कभी तो केस खुलते ही नहीं थे। लेकिन पांच साल के योगी शासन में पुलिस के काम करने का तरीका भी बदला है, जिसे आप योगी सरकार 2.0 में देख भी सकते हैं। यूपी पुलिस अब इतनी एक्टिव हो चुकी है कि बदमाश अब डीएक्टिव हो चुके हैं। पुलिस की पड़ताल में अब स्कॉटलैंड यार्ड वाली पावर आ गई है। बदमाशों की पकड़ने की रफ्तार अब न्यूयॉर्क की पुलिस के जैसी है। मार्च के बाद से जितनी भी वारदातें हुई हैं, उनके खुलासे यूपी पुलिस ने महज कुछ ही दिन में कर दिए। हाल के दिनों में तो पुलिस का परफेक्शन काफी बढ़ा है। अभी तक आप लोगों ने इस तरह काम का तरीका केवल अमेरिका की FBI या और देश की पुलिस में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब इस तरह का काम करते हुए यूपी पुलिस भी दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी वारदातें हुई जिन्होंने न्यूज़पेपर और चैनलों की हेडलाइन में जगह बनाई। ये ऐसी घटनाएं थी जिनके बाद पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन अपराधी अगर ये सोच रहे थे कि पुलिस वैसे ही काम करेगी जैसे वो करती आई है, तो अपराधियों की ये गलत फहमी थी। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही केस बताते हैं जिन्हें पुलिस ने महज 24 घंटे में या फिर उससे कम समय में सुलझाकर पुलिस का झंडा बुलंद कर दिया। तारीख 15 अप्रैल, वक्त शाम करीब 5 बजे, जगह बस स्टैंड अलीगढ़। अलीगढ़ में 15 अप्रैल को एक महिला दिल्ली से अलीगढ़ पहुंची थी। उसने अलीगढ़ बस स्टॉप से अकराबाद जाने के लिए ऑटो बुक किया, लेकिन रास्ते में ऑटो चालक यूसुफ और उसके एक साथी ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर महिला का सारा सामान लूट कर उसे बीच रास्ते में ऑटो से फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने उस इलाके के करीब 250 CCTV कैमरों को खंगाला। पीड़ित महिला ने इसमें आरोपी को पहचान लिया। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई, तो आरोपी भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी। उसके बाद आरोपी पकड़ा गया। महिला संबंधी अपराध की सूचना प्राप्त की थी, उसने तत्काल मौका मुआयना कर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा 250 से अधिक CCTV फुटेज देखते हुए अभियुक्त की पहचान की गई एवं उसके ऑटो को भी पहचान किया गया। आज अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब घेराबंदी की गई, तो मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु रवाना कर दिया गया। वहीं मौके से जो 2 अन्य संदिग्ध अभियुक्त फरार हुए हैं, उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने हर वो तरीका अपनाया जिसमें पुलिस माहिर होती है। सिर्फ ये एक केस नहीं है, बल्कि इसकी फेरिस्त बहुत लंबी है। दूसरा केस था लखीमपुर खीरी का, जिस पर राजनीति भी हुई, लेकिन पुलिस ने इसे भी 24 घंटे में सुलझा दिया। तारीख 15 अप्रैल, वक्त दोपहर के 12:45, जगह मंगलीपुरवा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन लूटी। इस लूट को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए। पुलिस ने भी इसे अहम की बात मान ली और हुआ ये कि 16 अप्रैल को बदमाशों पर कसा शिकंजा। हरदोई में दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों हुए गिरफ्तार। विगत दिनों दिनांक 13 तारीख को हरदोई में व कल लखीमपुर खीरी में उनके द्वारा गोल्ड चेन की लूट की गई थी। दोनों चेन उनके पास से बरामद की गई है। यह अज्ञात हुआ है कि दोनों बदमाश हार्डकोर क्रिमिनल है और उनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। उन्होंने कई लूट की वारदातें पहले अंजाम दी। यूपी पुलिस की पावर दिखाने की लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो बस शुरुआत है। अभी कई और ऐसे मामले हैं जिनका खुलासा पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही कर दिया। टीम न्यूज स्टेट। पिछले कुछ दिनों की वारदातों पर नजर डालें तो यूपी पुलिस ने कई घटनाओं के खुलासे महज 24 घंटों में कर दिए। फिर चाहे वो फिरोजाबाद में व्यापारी से लाखों की लूट का मामला हो या फिर बदायूं का मामला हो, हर जगह यूपी पुलिस का परफेक्शन देखने को मिलता है।
यूपी पुलिस के काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि जुर्म होने के बाद पुलिस पहुंचती है, लेकिन यूपी में अब पुलिस जुर्म को रोकती भी है और बदमाशों को पकड़ती भी है, वो भी वारदात के 24 घंटे के अंदर। तारीख 13 अप्रैल, जगह फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के टाट वाले मंदिर के पास बेखौफ बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर गहनों से भरा बैग लूट लिया था। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस बदमाशों के पीछे पड़ चुकी थी। दो दिनों की तलाश के बाद पुलिस को बदमाशों की लोकेशन मिल गई। तारीख 17 अप्रैल, जगह बेदी की पुलिया फिरोजाबाद। लूट को अंजाम देकर बदमाश ये सोच रहा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस अब अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालती है। सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले अन्नू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक पिस्टल, कारतूस, गहने बरामद कर लूट का खुलासा कर दिया गया। बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिक पूछताछ पे बदमाश का नाम अन्नू उर्फ अनुराग बताया और इसने ये स्वीकार किया कि इसने लूट की है और सर्राफा एक महेश वर्मा नाम के थे जिनको 13 तारीख की रात्रि में इन्होंने लूटा है गोली मारकर। तीन अन्य साथियों के नाम बताए हैं जिसके लिए टीम बनाकर निकाला जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी। बदमाश को अस्पताल में दाखिल किया गया है जहां ये सुरक्षित बताए जा रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तारीख 15 अप्रैल, जगह बिनावर, बदायूं। 15 अप्रैल को बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी से 7.5 लाख की लूट हुई थी। महज 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। 16 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। 1,94,000 रुपए बरामद। 1,94,000 रुपए की बरामदगी हुई है। त्वचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामदगी हुई है और शीघ्र ही जो शेष अभियुक्त है, जो शेष माल लूटा गया है, उसकी बरामदगी की जाएगी। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 24 घंटे या फिर 36 घंटे में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। टीम न्यूज स्टेट। यूपी की कानून व्यवस्था किस कदर सुधर चुकी है, इसका अंदाजा आप रामनवमी में यूपी से सटे राज्यों में हुए दंगों को देखकर लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां दंगों की आग में जल रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश में एक पत्थर तक नहीं फेंका गया। क्या दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं? अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने यह बयान क्यों ही नहीं दिया था? इसके पीछे भी बड़ी वजह थी और वजह यह थी कि जब रामनवमी और नवरात्र के समय राजस्थान के करौली, मध्य प्रदेश के खरगोन समेत गुजरात और झारखंड के इलाकों से हिंसक झड़प और आगजनी की घटनाओं की तमाम खबरें सामने आई थी, लेकिन तब भी यूपी शांत था। चार राज्यों में साजिश के तहत हिंसा की गई, दंगे हुए, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई, लेकिन तब भी यूपी शांत रहा। राम नवमी के मौके पर अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में 800 से ज्यादा जगहों पर जुलूस निकाले गए। ये तब हुआ जब रमजान का महीना चल रहा था, लेकिन मजाल है कि किसी भी दंगाई ने माहौल खराब करने के बारे में सोच भी लिया। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, 800 स्थानों के रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे, कहीं भी कोई थूथू मैंने नहीं हुई। दरअसल यूपी में दंगा होना पुरानी बात हो चुकी है और यहाँ धर्म के नाम पर किसी को भी साजिश करने नहीं दिया जाता। यूपी में योगी राज है, यहाँ सिर्फ विकास और भाईचारे की बात होती है। मुझे याद पड़ता है 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहला जो एक निर्णय लिया था और जिसकी घोषणा भी की थी कि वे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत को सुधारेंगे और उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई भी करनी पड़े तो वो करेंगे। उसमें उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड और माफिया के खिलाफ अभियान, ये सब चीजें चलाई थी और ये अभियान केवल कुछ समय तक नहीं चले बल्कि पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चलते रहे। सीएम योगी भी कह चुके हैं कि
यूपी में दंगा फसाद, अराजकता, गुंडागर्दी और अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। दंगे फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने एक बार फिर से यूपी में वापसी की, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार राज्य के सीएम बने। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपराधियों और हिंसक घटनाओं में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसी कार्रवाई के दम पर क्योंकि सरकार क्राइम पर कंट्रोल करने का लगातार दावा कर रही है, और सिर्फ दावा ही नहीं, ये हकीकत में होता नजर भी आ रहा है। दिल्ली दंगों के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। लखनऊ से लेकर बलिया तक और गाजियाबाद से लेकर कानपुर तक पुलिस सड़कों पर मौजूद है। यहाँ अगर किसी ने भी दंगा फैलाने की कोशिश की तो उसकी शामत आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी को भी इसका बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के, जिनका एक टेरर है आपराधिक तत्वों में, उनकी एक छवि है कि दंगा मुक्त प्रदेश कर रखा है, और अगर दंगा किया जाएगा तो कई पीढ़ियों तक उन्हीं से, दंगाइयों से ही वसूली की जाएगी, तो इसका भी एक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सरकार के राज में यूपी कितना बदल चुका है इसको बताने के लिए तस्वीर काफी है। नोएडा में बजरंग दल के शोभा यात्रा में मुस्लिम युवकों ने श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया। और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। इस यात्रा में योगी योगी की गूंज भी सुनाई दी। एक समय था जब यूपी में दंगे होना बड़ी आम बात थी, लेकिन योगी राज में अब लोग दंगों के दाग से दूर, अमन और चैन से रह रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। दरअसल यूपी में अराजक तत्वों और बदमाशों के बीच बाबा के बुलडोजर का खौफ है, जो लगातार अपराधियों पर चल रहा है, और पिछले कुछ दिनों में यह बुलडोजर प्रयागराज और सहारनपुर में गरजा था। इसके अलावा सीएम योगी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यूपी में अपराध का ग्राफ दो वजहों से कम हो रहा है। एक तो सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस एक्टिव हो गई है, और दूसरा बदमाशों के दिलों में बैठा बुलडोजर का डर। ये डर कुछ ऐसा है कि या तो बदमाशों ने और माफियाओं ने यूपी से पलायन कर लिया है, या फिर वो सरेंडर कर जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। प्रयागराज में बुलडोजर की धमक, अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर, 40 बीघा जमीन हुई कब्जा मुक्त। योगी सरकार का बुलडोजर केवल माफियाओं और अपराधियों पर ही नहीं, अवैध तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग करने वालों पर भी चलने लगा। प्रयागराज में पीडीए की टीम ने थरवाई इलाके में करीब 40 बीघे की अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज किया। दरअसल क्या भू माफिया ने अवैध तरीके से बगैर पीडीए से लेआउट लिए प्लॉटिंग की थी, जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। सहारनपुर में 15 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त, हिस्ट्री शीटर इस्लाम सरफू ने किया था कब्जा। सहारनपुर का नामी हिस्ट्री शीटर इस्लाम सरफू ने एक एनआरआई के जमीन पर सालों से कब्जा किया हुआ था, जिसको अब कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इस जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ थी। हिस्ट्री शीटर सरफू पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। के थाना मंडी पर एक भूमाफिया इस्लाम पुत्र सरफुद्दीन, ये एक भूमाफिया है, और उसके खिलाफ लगभग 45 मुकदमे दर्ज हैं। विभिन्न प्रकार के कैंसर एक्ट के भी हैं, एक्सटॉर्शन के हैं। इसने थाना मंडी के अंतर्गत एक जमीन कब्जा कर रखी थी, जिसे पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा खाली कराया गया है बुलडोजर चला के। इस जमीन की कुल कीमत 15 करोड़ के लगभग है, तो ये निश्चित ही भूमाफियाओं के विरुद्ध एक बहुत अच्छी कार्रवाई है, और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जो शासन के निर्देश है उसके क्रम में हम लोग करते रहेंगे। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के इतने एक्टिव होने के पीछे की वजह है सीएम योगी, क्योंकि सीएम योगी अब अपराध पर पूरी तरीके से लगाम कसने के मूड में है, और इसके लिए सीएम योगी ने बकायदा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। रात में अपनी तैनाती वाली जगह पर ही रुके एसडीएम और सीओ तहसीलदार, बिना किसी वजह के मुख्यालय पर न जाए। इलाके में रहेंगे तो लोगों की समस्याएं
उन तक तत्काल पहुंचेंगी। समस्याएं तत्काल पहुंचेंगी तो फौरन समाधान होगा। अधिकारी सरकारी आवास न मिलने पर कमरा लेकर तैनाती स्थल पर ही रहें। थाना, ब्लॉक, तहसील की शिकायतों का निपटारा करें। शिकायत ऊपर तक जाने की बजाय निचले स्तर पर निपटारा करें। उत्तर प्रदेश में आज से नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बरसे हो गए कानून का राज स्थापित हो गया। 2017 से, जब से 19 मार्च 2017 से योगी जी की सरकार आई, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। हर स्तर पर जहां जैसी कोई घटना भी अगर होती है छुटपुट, उसका संज्ञान लेके कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये खुशी की बात है कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त, इसके लिए आप लोगों को बधाई देना चाहिए। दरअसल योगी सरकार 2.0 में सीएम के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले कार्यकाल की सफलता के बाद सीएम योगी इसे दूसरे कार्यकाल में भी जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए वो हर विभाग के पेच कस रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। दिल्ली में दंगा होने के बाद भी इसका असर यूपी में नहीं दिखाई दिया। यूपी में पुलिस की सख्ती की वजह से किसी भी तरह की वारदात नहीं हुई। इसको लेकर हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने बातचीत की है एसीएस होम अवनीश अवस्थी से। हमारे साथ एसीएस ग्रह हैं। जिस तरह से सर शोभा यात्रा को लेकर के हमने देखा देश भर में बवाल हुआ, पर वो चीज उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी, ये कानून का एक बढ़िया कामयाबी कहा जाए जिस तरह से आप लोगों ने कदम उठाया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया था कि खुद सड़क पर उतरकर फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से जो है एक एक चीज देखें। हर शहर में, हर बड़े कस्बे में निकलकर वहां पर जो आयोजक है उनसे संपर्क करके आयोजकों से भी व्यवस्था बना करने में सहयोग लें। और इसके साथ साथ ये भी निश्चित किया गया था कि यदि कहीं कोई भी जरा भी गड़बड़ी करे तो सख्त कार्रवाई करे। हमारे साथ एसीएस ग्रह अवनीश अवस्थी जी बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं पे भी किसी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उसे सब देख रहे हैं। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है, अपराधियों की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो किसी तरीके की गड़बड़ी कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। हनुमान जयंती के मौके पर जहां एक ओर दिल्ली के अंदर हिंसा भड़की तो वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शोभा यात्रा पर एक भी पत्थर फेंकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। इसको लेकर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने बताया है कि गाजियाबाद एसपी ग्रामीण ईरज राजा ने उनसे बातचीत की, क्या कुछ का सुनाया था। तो गाजियाबाद के साथ ही दिल्ली से सटे नोएडा में भी शांतिपूर्ण ढंग से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान किसी भी तरह की घटना नहीं हुई। इसको लेकर नोएडा में हमारे संवाददाता अमित ने बातचीत की है जॉइंट सीपी लव कुमार से। उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा, यहां पर कानून व्यवस्था बड़ा चैलेंज हुआ करता था, लेकिन इन दिनों अगर बात करें चाहे कोई भी त्यौहार हो उस त्यौहार को बड़े सौहार्द तरीके से यहां की पुलिस लगातार निपटा रही है। पिछले दिनों हनुमान जयंती हो या तमाम तरीके के त्यौहार हो उसको लेकर किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर पुलिस की नाकाम किया, हमारे साथ ज्वाइंट चीफ साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों की योजना रहती है त्यौहारों को सकुशल निपटाने? देखिए, जहां तक त्यौहारों का प्रश्न है, त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पहले से जो सभी संबंधित पक्ष हैं उनसे बातचीत करके और किस तरीके से हम सौहार्दपूर्ण वातावरण पहले से बनाकर रखते हैं। दूसरा, जो तैयारियां हैं उसको आप किस तरीके से अंजाम देते हैं। तो जहां तक गौतम बुद्ध नगर का सवाल है, अभी हाल ही में जितने भी त्यौहार और पर्व और शोभा यात्राएं जुलूस आदि सम्पन्न हुए, चाहे वो रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो या और जितने भी त्यौहार थे, तो हम लोगों की पूरी कोशिश रही कि उसके पहले सभी पीस कमेटीज की मीटिंग थाना स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर की गई, और जो ऐसे पॉइंट्स थे जहां हमें लगता है जो कुछ असामाजिक तत्व कई बार व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे सभी असामाजिक तत्वों को पहले से चिन्हित करके
और उनके विरुद्ध जो भी विधिक निरोधात्मक कार्रवाई होती है वो पहले से कर ली गई। देखिये, गौतम बुद्ध नगर हाईटेक जिला है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में बड़ा चैलेंज यहाँ हुआ करता था, लेकिन पिछले दिनों से अभी तक की अगर बात देखी जाए तो लगातार ऐसे अपराधी किस्म के लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, और जो भी आयोजन होते हैं चाहे किसी भी धर्म के हों वो शांतिपूर्ण तरीके से लगातार निपटाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। तो यूपी के इन तमाम सिंघम की वजह से ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में शांति बनी हुई। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं राजधानी लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। आलोक जी, आपके पास आएंगे, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शांति नजर आई, चाहे रामनवमी की यात्रा निकली हो, चाहे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली हो, बाकी अन्य प्रदेशों में कई जगहों पर हिंसा भड़की, दंगे हुए, पथराव हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति रही, इसका श्रेय यूपी पुलिस को जाता है और सीएम योगी जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं उसी वजह से यह परिणाम भी मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं या कहा जाता है जो पॉलिटिकल विल है, अगर वो मजबूत हो तो अधिकारी उसी के अनुरूप काम करते हैं। योगी सरकार की सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यही है कि अगर हम योगी सरकार पार्ट वन को देखें तो भी अपराधियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस था और ये कहा भी जाता था कि ठोकने वाली जो नीति है उन्हें या तो सुधर जाओ या फिर सिधार जाओ, ऊपर जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा। शायद ये जो बात थी वो लगातार दमदार होती गई। हमने पार्ट वन में देखा किस तरह से योगी सरकार ने मजबूती से इस पे काम किया, जीरो टॉलरेंस पे काम किया, अपराधियों को छोड़ा नहीं बल्कि वो तख्ती लगा करके आत्मसमर्पण करने थानों पे पहुंचते थे। और अगर अब बात करते हैं हम रामनवमी की शोभा यात्राओं की या हनुमान जयंती पर, तो जिस तरह का भी माहौल रहा, उत्तर प्रदेश ने फिर एक बार अपने आप को एक उदाहरण बन करके दिखाया है कि अगर कानून के हिसाब से देखा जाए, अगर मुख्यमंत्री के हिसाब से देखा जाए तो उनके आदेश और निर्देश का पालन किया गया है और सख्ती से पालन किया गया। जहां अन्य राज्यों में हमने बवाल देखे, वहीं उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि एक पत्थर भी नहीं फेंका गया, किसी तरह से पत्ता भी नहीं हिला, तो वो गलत नहीं होगा। कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश का एक बिल्कुल, तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो शांति हर जगहों पर देखने को मिली है। और बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हनुमान जयंती के मौके पर जहां एक ओर दिल्ली के अंदर हिंसा भड़की, वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शोभा यात्रा पर एक भी पत्थर फेंकने की कोई हिम्मत नहीं कर सका, चारों तरफ शांति नजर आई। हमारे साथ गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इरज रजा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे शोभा यात्रा तो गाजियाबाद में निकली और अलग अलग हिस्सों में निकली, लेकिन शांति पूर्वक तरीके से आखिरकार कैसे संपन्न रही, क्या कुछ मोटिव रहा और कैसे इस पूरे जो शोभा यात्रा का पूरा एक पैदल मार्च था इसको संपन्न कराया। सर, किस तरह से जो कल शोभा यात्रा पूरे गाजियाबाद में रही बहुत शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न रहा? शोभा यात्रा जो भी निकलनी थी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, उनको लेकर हम लोग पूर्ण रूप से पहले से ही अलर्ट थे और दिल्ली की जब घटना होने के बाद तत्काल जैसे भी दिशा निर्देश हमको शासन स्तर से मिले, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए, उनका अनुपालन हमारे द्वारा किया गया और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सभी फोर्स तत्काल फील्ड में आ गया था। जितने भी हमारे दिल्ली से सटे हुए पॉइंट्स हैं, इसके अलावा जो भी दिल्ली से आने वाले रास्ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं, एक्सप्रेसवे का पॉइंट है चढ़ने का उतरने का, तो दिल्ली से कनेक्ट है डायरेक्ट, तो यहां पर हम लोगों ने तत्काल से हमारे बैरियर पॉइंट्स एक्टिव कर दिए थे और ये परसों शाम से ही एक्टिव हो गए थे। हमेशा से रहते हैं लेकिन हमने और सजगता के साथ एक्टिव किए थे, फोर्स वहां पर बढ़ाई गई थी, तो तत्काल सभी टीमें लगी हुई थी, सीनियर अधिकारी एडीजी सर, आईजी सर, डीएम सर, एसएसपी सर भी सभी क्षेत्रों में मूवमेंट पे थे, हम लोग के अलावा पूरी फोर्स मूवमेंट पे थी। तो जो भी आयोजक गण थे उनसे हम लोग पहले से भी संपर्क में थे, दोबारा हमने उनसे बात की, सभी वर्गों के सभी समुदायों के लोगों से फिर से बात की, क्योंकि जो भी चीजें हैं पहले से चली आ रही हैं, परंपरागत हैं, तो सभी लोगों ने हमको एश्योर किया कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब यात्रा करवाएंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।